दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वो आपको जबरदस्ती ऑपरेट करता है। मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई डॉक्टर आपको कहता है कि हार्ट की आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज है 70% तक है, तब तो आप बिल्कुल हंसी खुशी रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। 75 है, 80 है, 85 है, तो आप चिंता करिए और इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए कुछ काम शुरू करिए। आप बोलेंगे ऑपरेशन है, ऑपरेशन उसका इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है मैं बताता हूँ आपको। ऑपरेशन होता क्या है, एक ऑपरेशन है जिसमें आपको एंजियोप्लास्टी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि मैंने बताया ये जो एक तरह की आर्टरी है, मान लीजिए इसमें से ब्लड जाना है और ये रुक गई है, तो डॉक्टर एक छोटी सी स्प्रिंग है वो आपकी आर्टरी में डालेगा, कट करेगा, यहाँ से आर्टरी को उठाएगा और स्प्रिंग उसमें इंसर्ट कर देगा। वो स्प्रिंग इतनी बड़ी होती है, वो जो बॉल पेन में आपने देखा है कि स्प्रिंग होती है, एग्जैक्टली वही स्प्रिंग, बस उसमें मेडिकेशन किया हुआ होता है, दवा उस पर लपेटी हुई होती है। वो स्प्रिंग 10 रुपए की बनती है, लेकिन आपके हर्ट में डलने के बाद उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो जाती है, सिर्फ 10 रुपए की। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतनी लूट मची है। हाँ, इतनी ही लूट मची है इस देश में। 10 रुपए की चीज को आपके हर्ट में डाल के वो कहेगा कि अब तो 2 लाख का बिल हो गया, 2.5 लाख का बिल हो गया, 3 लाख का बिल हो गया। आपको पता नहीं है, आप क्रॉस चेक नहीं करते और हम ये मान के बैठे हैं कि ये तो भगवान है जो डॉक्टर है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि भगवान जब होता था डॉक्टर तब होता था, अब नहीं, अब तो वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक। भगवान फिर भी आपकी जान ही लेगा, ये तो इतना शैतान है कि जान भी लेगा, पैसे भी निकाल लेगा आपके फिर से। हाँ, ये तो शैतान से भी ज्यादा है। इसलिए मैं आपको थोड़ा अवेयर करना चाहता हूं कि हर्ट की प्रॉब्लम लेके कभी भी किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और कोई डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसके कारण ब्लॉकेज आ गया है, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया इसके कारण ब्लॉकेज आ गया है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए जब तक आप अपनी रिपोर्ट नहीं देख लेते कि इसमें कितना परसेंट है। अगर 70 या 70 से नीचे है तब तो चिंता करने की बात ही नहीं, घर आइए, आराम से सोइए, खाइए पीजिए। 70 प्लस है तो जरूर थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑपरेशन उसका उपाय नहीं है। क्यों? मान लीजिए उसने एक आर्टरी में आर्टरी को कट किया और एक स्प्रिंग डाल दिया। स्प्रिंग मैंने कहा इतनी सी है, इतनी सी स्प्रिंग यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये स्प्रिंग डाल दी तो इसमें होगा क्या कि आर्टरी का थोड़ा एक्सपेंशन हो गया तो खून ज्यादा जाने लगेगा, एक दो दिन आपको बहुत रिलीफ लगेगा, लेकिन आगे और पीछे जहां स्प्रिंग है ना उसके आगे और उसके पीछे वहां फिर जमा हो जाएगा क्या, कचरा, कीचड़, कोलेस्ट्रॉल फिर जमा हो गया तो फिर तकलीफ आएगी आपको, फिर दोबारा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर कहेगा आपको एक और एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा। तो जहां पे उसने स्प्रिंग डाला था उसके आगे पीछे और एक डाल देगा, फिर आपका 2-2.5 लाख का खर्चा, फिर उसमें क्या होगा जहां स्प्रिंग पड़ गई वहां से तो ब्लड निकल गया, फिर उसके आगे और पीछे, फिर वही समस्या। मतलब सीधा सा ये है कि ब्लॉकेज होने की टेंडेंसी जब तक आपके ब्लड में रहेगी तब तक ये होता ही रहेगा, आप चाहे कितनी एंजियोप्लास्टी करा दीजिए। और एक आर्टरी में 2 या 3 से ज्यादा एंजियोप्लास्टी हो नहीं पाती क्योंकि वो बहुत वीक हो जाती है, तब डॉक्टर आखिर में कहता आप बाईपास सर्जरी करा लो। बाईपास सर्जरी में क्या होगा, जो आर्टरी है उसके पैरेलल एक दूसरी आर्टरी लगाएगा और इसको बंद कर देगा, लेकिन अगर ब्लॉकेज की टेंडेंसी उसमें भी बनी हुई है तो थोड़े दिन में उसमें भी ब्लॉकेज आ जाएगा। कीचड़ भरने की अगर नाली में टेंडेंसी है तो नाली कितनी भी नहीं बनाते रहो कीचड़ भरने ही वाला है, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि पानी के साथ नाली में कीचड़ ही ना जाए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही नहीं, ट्राइग्लिसराइड बढ़े ही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो वो बढ़े जो अच्छा वाला है जिसको हम एचडीएल कहते हैं, खराब वाला क्यों बढ़े एलडीएल और बीएलडीएल। तो मूल बात जो हमें समझने की है वो ये कि हर्ट की प्रॉब्लम में कभी भी आपको डायग्नोसिस कर दिया किसी डॉक्टर ने कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट फेल होने वाला है, कार्डियक अरेस्ट होने वाला है क्योंकि आपकी आर्टरीज में यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, तो इसमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता करेंगे आप घबराएंगे, घबराहट में वो सारे पैसे आपके निकाल लेगा क्योंकि यही आपका वीक पॉइंट है।
आप चिंतन ये करिए कि मेरे ब्लड में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ क्यों रहा है, ये कम हो जाना चाहिए। अब ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही ब्लॉकेज है, तो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जान लीजिए, किन कारणों से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और किन कारणों से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जिंदगी में जितने भी लोग डालडा खाते हैं, डालडा आप समझते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ये डालडा सबसे खराब वस्तु है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। खराब कोलेस्ट्रॉल मैंने फिर बोला एलडीएल और वीएलडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल आपके खून में सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब आप डालडा खाते हैं और रिफाइंड ऑयल खाते हैं और डबल रिफाइंड ऑयल खाते हैं, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल खाते हैं। तो रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, डालडा, ये चार नाम हमेशा याद रखिए जो सबसे खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए। इनसे जुड़े हुए अगर प्रोडक्ट आपके घर में है, डालडा या डालडा का कोई भी प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड ब्रांड नेम से आ सकता है, रिफाइंड ऑयल का कोई भी प्रोडक्ट एक्स वाई जेड नेम से आ सकता है, वो रुचि हो सकता है, वो सोया हो सकता है, वो गगन हो सकता है, वो पता नहीं क्या क्या नाम से हो सकता है, ये सब वो प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। खराब माने एलडीएल और वीएलडीएल, उसके कारण आपको ब्लॉकेज है। तो क्या करना चाहिए, इमीडिएट आपको फैसला करना चाहिए कि भाई हमारे घर में डालडा नहीं आएगा, हमारे घर में कोलेस्ट्रॉल खराब बढ़ाने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो डालडा हटा दीजिए, अपने भोजन से डालडा निकाल दीजिए और रिफाइंड ऑयल भी निकाल दीजिए, डबल रिफाइंड भी ऑयल निकाल दीजिए। तो रिफाइंड और डबल रिफाइंड और डालडा निकालते ही आपका कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाए इमीडिएट। और अगर आप चाहें तो 3 महीने ऐसा खाना खा के देख लीजिए जिसमें डालडा की एक बूंद भी ना डाली गई हो और रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल ना इस्तेमाल किया गया हो, 3 महीने में वो डॉक्टर ही कह देगा अरे आपका तो बहुत कम हो गया एलडीएल और वीएलडीएल। तो कारण आपको पता होना चाहिए। कारण सबसे बड़ा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट अटैक लाता है, कार्डियक अरेस्ट लाता है, उसको लाने वाला जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है आपके रसोई में, वो डालडा है, रिफाइंड ऑयल है, डबल रिफाइंड ऑयल है। अब आप उल्टा कहेंगे कि डॉक्टर तो सब बोलते हैं रिफाइंड ऑयल खाओ, हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है तो डबल रिफाइंड खाओ और अच्छा है। डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ जबरदस्त कनेक्शन है, रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल बेचने वाली कंपनियों का डॉक्टरों के साथ कनेक्शन है, डॉक्टर उनका जितना भी प्रिस्क्रिप्शन करेंगे कंपनियों का धंधा चलेगा, कंपनियों का धंधा चलेगा तो डॉक्टरों का भी धंधा चलेगा। लोग जितना ज्यादा रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे उतना हार्ट अटैक आएगा, उतना हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टरों की भी चांदी है, कंपनियों की भी चांदी। इसलिए आप विज्ञापन देखकर टेलीविजन पर कभी भी जिंदगी के बारे में फैसला मत करिए। टीवी पर ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं, कोई पत्नी अपने पति के बारे में बात करती हुई कहती है कि इनको तो ये तकलीफ है तो मैं उसी दिन से सोया वनस्पति ऑयल ले आई, तो ये ऑयल ले आई, तो वो ऑयल ले आई, बस यही खतरनाक, क्योंकि एक भी विज्ञापन सच नहीं होता और सच विज्ञापन करने की उनकी कोई जवाबदारी नहीं है क्योंकि सरकार ने उनको झूठ बोलने का लाइसेंस दिया। एक भी विज्ञापन सच नहीं होता और सच बात विज्ञापन में बताई नहीं जाती। तो आप टीवी विज्ञापन देखकर कभी भी ये डिसाइड मत करिए कि हमारे घर में क्या लाना है क्या नहीं लाना है। वो ऑयल के बारे में है तब तो बहुत कॉशस नहीं। तो आप जैसे ही डालडा हटाएंगे, जैसे ही ट्राई ये रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल हटाएंगे, 3 महीने आप देशी घी में खाना बना के खा लीजिए, देशी घी, आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो। अब ये महत्व की बात है जो आपने कहा वो भी नकली है, तो असली बना लीजिए घर में। दूध आपके पास आता है, दही बना लीजिए, उसमें से मक्खन निकाल लीजिए, मक्खन को गर्म करके घी बना लीजिए, वो आपके घर में ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घी के लिए देशी घी जितना ज्यादा खाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल उतना कम बनेगा, डालडा जितना खाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा बनेगा, रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे और ज्यादा। तो पहली बात अपने जीवन में याद रखिए कि हर्ट से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम में तेल तुरंत बदल दीजिए। फिर आप बोलेंगे अच्छा डालडा छोड़ दिया, तो डालडा छोड़ के घी पे आ जाइए। और घी में मैं आपसे कह चुका हूं कि गाय का हो तो बहुत अच्छा है, गाय का घी जिस पर 12 साल मैंने रिसर्च किया है,
एक ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। गाय के घी में ऐसी तासीर है। सरों का तेल, हाँ मैं बताता हूँ एक मिनट। गाय का घी 12 साल तो मैं रिसर्च कर लिया, हजारों साल हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर लिया। गाय का घी 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ने नहीं देता, कितना भी खा ले आप 1 ग्राम भी नहीं बढ़ने देता। बढ़ने देता है जो घी वो भैंस का है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भैंस का घी तो छोड़ ही देना अच्छा है, गाय का घी कहीं से अरेंज कर। अब आप बोलेंगे गाय नहीं है तो गाय लाइए, गौशाला है पटियाला में, वो गौशाला वालों से निवेदन करिए, वो देशी गाय पालेंगे, आपको घी भी देंगे, दूध भी मिलेगा। ये सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। बात जो मोटी समझने की है वो गाय के घी की है। दूसरी जानकारी कि आपके घर में तेल एकदम शुद्ध लाइए, ये जो रिफाइंड तेल है ना ये छोड़ दीजिए, शुद्ध तेल लाइए। शुद्ध तेल कैसा, सरसों आपके बाजार में मिलती है, सरसों लेके जाइए, तेल निकालने वाली मशीन को दीजिए कि भाई मेरा तेल निकाल के दो, तो जिस कंडीशन में वो तेल निकाल के देता वही शुद्ध है। ज्यादा से ज्यादा उसको फिल्टर करा लीजिए, एक फिल्टर्ड ऑयल आता है और एक रिफाइंड ऑयल आता है। रिफाइंड ऑयल गलती से भी मत लाइए, फिल्टर्ड लाइए। फिल्टर माने छान के, बस इतना ही है, उसमें कुछ केमिकल मिक्सिंग नहीं है। तो आप फिल्टर ऑयल लाएंगे, सरसों का लाएं तो, नारियल का लाएं तो, मूंगफली का लाएं तो, तिल का लाएं तो, जो तेल आप खाते हैं, वैसे आपके लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का ही है, क्योंकि हम नॉर्थ बेल्ट में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए सरसों बहुत अच्छी है। तो सरसों का तेल तो सबसे ही अच्छा है, लेकिन कोई लोग ऐसे भी हैं जो नारियल का तेल खाते हो या मूंगफली का खाते हो या तिल का खाते हो, उनके लिए भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि शुद्ध तेल लाइए, नारियल का लाएं तो, तिल का लाएं तो, मूंगफली का लाएं तो। आप कहेंगे वो बहुत गाढ़ा होता है, मैं आपको एक जीवन का ऐसा सच बताना चाहता हूं जो डॉक्टर जानता है लेकिन वो बताता है। तेल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा, दूध जितना पतला होगा उतना अच्छा। तेल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा, दूध जितना पतला होगा उतना अच्छा। अब पतला दूध आपको चाहिए तो वो गाय पे ही मिलेगा, भैंस का तो नहीं मिलेगा। और गाढ़ा तेल चाहिए तो शुद्ध तेल ही गाढ़ा होता है, रिफाइंड तेल तो बिल्कुल पानी के जैसा है। तेल को जब शुद्ध रूप में हम प्राप्त करते हैं फिर इसको रिफाइन करने के लिए जो केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं वो खतरनाक है हार्ट के, वो सब हमारे एलडीएल और वीएलडीएल को बढ़ाने वाले हैं वो सारे। मेरे कुछ मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग गांव में माने अलग अलग शहरों में काम करते हैं। हम सबका एक ग्रुप है, हमने ग्रुप स्टडी किया पिछले 10 साल कि जिसके क्लिनिक में जिसके पास भी हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, ऑपरेट करने के पहले उसका पूरा हिस्ट्री लेना तब ऑपरेशन करना। और हिस्ट्री में पहला ही सवाल हम पूछते हैं तेल कौन सा खाते हो। तो 10 साल जितने भी मरीजों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की, 90% मरीज वो थे जिनको हार्ट अटैक आया और रिफाइंड तेल खाते, और डबल रिफाइंड खाते उनको और जल्दी आता। और जो मरीज हमको आके बोलते हैं कि जी हम तो शुद्ध तेल खाते हैं, प्योर तेल खाते हैं, वो सिर्फ 10% ही है। माने 90% खतरा ज्यादा है हार्ट अटैक होने का जब आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, डबल रिफाइंड खा रहे हैं। तो तेल बदल दीजिए, घी बदल दीजिए, डालडा की जगह देशी घी लाइए। देशी घी गाय का होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भैंस का ला रहे हैं तो मात्रा थोड़ी कम करिए, ज्यादा मत खाइए, जितना खा सकते जितना पचा सकते हैं उतना ही खाइए। ये महत्व की बात है कि घी, देशी घी कभी भी गाय का होगा तो 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि 10 साल मैं कर चुका हूं ये काम और मुझसे पहले पुराने वैद्यों ने सैकड़ों साल ये काम करके देखे। हमारे पुराने जमाने का याद करिए, हमारे दादा दादी नाना नानी आधा आधा कटोरी घी खाते, किसी को हार्ट अटैक नहीं था। हाँ बस यही बात है महत्व की, मेहनत भी करते थे, खेत में जाते थे, हल चलाते थे, कुदाली चलाते थे, 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, कंधे पर वजन रख के चले जाते थे, तो मेहनत उनकी होती थी। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो घी के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड के साथ है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो घी बिल्कुल पचेगा आपको, चिंता मत करिए। आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वही घी मारेगा फिर आप। तो घी का कसूर नहीं है, कसूर आपका है, आप मेहनत नहीं करते। छोटे छोटे काम में भी हम मेहनत से अब चुराने लगे हैं अपना जी,
ट्रैक्टर आ गया तब से तो और ज्यादा जी चुराना हमने शुरू कर दिया है। हर काम के लिए स्कूटर या मोटरसाइकिल यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, सब्जी भी लेने जाएंगे तो उसके लिए हमें ये सब लगता है। पैदल चलना हमारा इतना कम हो गया है, पहले बहुत पैदल चला जाता था, साइकिलें होती थी, पैदल चलते थे, तो ये सब फिजिकल वर्क पहले था, अभी बहुत कम है। तो इसमें घी का क्या दोष है? आप घी को गाली क्यों देते हैं? अपने को गाली दीजिए ना, हम मेहनत नहीं करते, हम निकम्मे हो गए, हम कामचोर हो गए, इसलिए ये प्रॉब्लम। इसमें घी का कोई दोष नहीं। घी का दोष तब आएगा जब आप मेहनत भी करें और उसके बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े तब, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। मेहनत करने वालों को घी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए आप घी तो रखिए, देशी घी अपने घर में रसोई में, डालडा निकालिए, रिफाइंड और डबल रिफाइंड हटाइए, तो तुरंत आपका कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक जानकारी मैं कल दे चुका हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही नमक बदल देंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। नमक कल मैंने बताया, समुद्री नमक छोड़कर आप सेंधा नमक पे आ जाएंगे, काले नमक पे आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल अपने आप गिरने लगेगा, ट्राइग्लिसराइड गिरने लगेगा। तो ये दूसरी बात याद रखिए। और तीसरी बात ये याद रखिए कि जितनी ज्यादा छिलके वाली दाल और छिलके वाली सब्जियां खाएंगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल आपका घटता चला जाएगा। छिलके वाली दाल और छिलके वाली सब्जियां, जैसे लौकी है, तोरई है, टिंडा है, कद्दू है, करेला है, इन सब सब्जियों में हम छिलका उतारते हैं। ये मत उतारिए, छिलका उतारना बंद कर दीजिए, क्योंकि सब्जियों का सबसे ज्यादा प्रोटीन छिलके में है और फाइबर भी छिलके में। तो आप छिलके वाली सब्जियां खाइए, जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है ये सब बात उनके लिए हो रही है, सबके सब छिलके वाली सब्जियां खाए, आलू भी छिलके के साथ खाएं तो अच्छा है, आलू का भी छिलका ना होता है। तो आप कहेंगे फिर स्वाद नहीं लगेगा, लगेगा। आलू को उबालें, उबालें और उबाल कर सब्जी में डालें, छिलका ना उतारें तो भी स्वाद लगेगा। तो आलू है, गोभी है, पत्ता गोभी है, या तो पत्ता गोभी और गोभी का जो छिलका समझते हैं, वो जो डंठल होते हैं छोटे छोटे पीस काट के आपके सब्जी में रखिए, उनको बहुत काम की चीज है, जो आप निकाल लेते हैं वो बहुत काम की चीज है। करेले का छिलका कभी मत उतारिए, लौकी का मत उतारिए, तोरी का मत उतारिए, कद्दू का मत उतारिए, ज्यादातर सब्जियां छिलके वाली खाना शुरू कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल अपने आप घटने लगेगा, खराब हो। हाँ, मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। छिलके वाली सब्जियां भरपूर खानी है, छिलके वाली दालें खानी है, मूंग की दाल खानी है तो छिलके वाली, उड़द की दाल खानी है तो छिलके वाली, माँ की दाल खानी है तो उस पर छिलका रहे, अरहर की दाल में छिलका, माने बिना पॉलिश की हुई दाल छिलके वाली, और चावल भी आप खाइए वो भी छिलके वाला। चावल एक आता है छिलके वाला, एक बिना छिलके वाला, जो छिलके वाला चावल है वो रेड रेड कलर का होता है, हल्के से लाल रंग का होता है, उस पर पॉलिश नहीं होती, तो बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाइए, बिना पॉलिश की हुई दाल खाइए। हाँ, पकेगा, कैसे पकेगा तरीका मैं बता देता हूँ। हाँ, ब्राउन राइस, ब्राउन राइस जिसको आप कहते हैं वो छिलके सहित होता है इसलिए ब्राउन है, वो बहुत अच्छे से पकता। कैसे पकता है? चावल को पकाते समय थोड़ा दो बूंद घी डाल दीजिए, बहुत अच्छे से पकता है, बहुत अच्छे से पकता है। या चावल पकाते समय थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, बहुत अच्छे से पकता है, एक एक दाना उसका खिला अलग रहता है। तो छिलके वाला चावल, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, ये सब खाना है हर उस मरीज को जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट के अटैक आने की संभावना है, या आर्टरीज और वेन्स में कचरा जमा हो। तीन बातें हुई। चौथी बात और एक जानकारी दे दूं कि जो रोटी आप खा रहे हैं, रोटी रोटी मोटे अनाज की खाइए, जितना मोटा अनाज उतना ही हार्ट के लिए अच्छा। जैसे मक्की है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, बाजरी है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, ज्वारी है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, गेहूं उतना अच्छा नहीं है हार्ट के लिए। अगर गेहूं खाना ही है तो अकेला गेहूं मत खाइए, उसमें मिक्स करिए। क्या मिक्स करें? थोड़ा चना मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सोयाबीन, थोड़ी ज्वारी, ऐसी चीजें मिक्स करिए जो मोटे अनाज में आती है, फिर उसकी रोटी बनाइए। मिस्सी रोटी कहते हैं या क्या रोटी कहते हैं, मिस्सी रोटी, यस, वो खाइए आप।
गेहूं की रोटी कभी भी मत खाएं, ना खाएं वो सभी पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। मिस्सी रोटी खाएं, मोटी रोटी खाएं। और जब गेहूं आप पीसने के लिए लेके जाते हैं चक्की पर और गेहूं के साथ बहुत सारी चीजें, तो उसको बोल करके मेरा आटा मोटा पीसो, बारीक मत पीसो। और बिना रोले तो हाँ, मेरा आटा मोटा पीसो, बारीक मत पीसो। और वो आटा घर में लाके कभी भी छलनी से छानना नहीं, क्योंकि उसकी जो चोकर आपने निकाल दी वही आपके हर्ट को बचाने वाली है। जो ऊपर के छिलके हैं, जो चोकर है, वही आपके खून को पतला करती है। तो इसलिए इस तरह से आप अपने लाइफ को थोड़ा एडजस्ट करिए। अगर हर्ट की प्रॉब्लम, अगर आपने ये सब शुरू कर दिया और थोड़ी दो तीन चीजें और अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। शाम को मैंने कहा खाने के बाद कम से कम 1000 कदम पैदल चलना, आपको वॉकिंग करना शाम को बहुत जरूरी है। दोपहर के खाने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है, थोड़ा वज्रासन में बैठना बहुत जरूरी है। ये सब करते हुए अगर आपने अपने आप को ढाल दिया तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहने दो। और लगातार आप इस हैबिट में आ जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, तो आपका 6-8 महीने में कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कैसे हो गया, आपने फूड हैबिट्स थोड़ी सी चेंज की, वो हो गया। जो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें हैं वो हटाते गए, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें उनको बढ़ाते गए, आप ठीक हो गए। तो बिना मेडिसिन के, बिना ट्रीटमेंट के, बिना ऑपरेशन के आप अपने हार्ट की प्रॉब्लम को ऐसे ठीक करें। अब आप बोलते हैं इसमें और कुछ कर सकते हैं, हाँ, और अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। कुछ ऐसी चीजें खाइए जो कल से मैं बात कर रहा हूं, जो एल्केलाइन है। सारी एल्केलाइन चीजें खून को गाढ़ा होने से बचाती हैं और पतला बनाती हैं। तो आप बोलेंगे क्या खाएं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास। सबसे एल्केलाइन चीज है हमारे भोजन में या आसपास की रसोई में और पड़ोस में, आंवला। भरपूर आंवला खाइए। अब भरपूर आंवला खाने से मतलब नियमित रूप से आंवला खाइए, ये नहीं कि 1-2 किलो एक बार में खा जाए। भरपूर खाने का माने नियमित खाइए, 6 महीने 8 महीने साल भर 2 आंवले रोज खाइए। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम, ड्राई खा लें, चटनी बना के खा लें, मुरब्बा बना के खा लें। फिर कोई बोलेगा मुझे डायबिटीज भी है और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो जो डायबिटिक है वो मुरब्बे वाले आंवले को पानी में धो के उसे खा लें, आंवले की कैंडी आती है उसे खा लें। आंवला किसी भी रूप में खाना, दो, बहुत खून को व्यवस्थित करता है आंवला, एक चीज। दूसरी और चीज क्या खा सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी भी कैपेसिटी है खर्चा करने की तो आप ये एलोवेरा जूस पी लें, बहुत एल्केलाइन है और खून को एकदम व्यवस्थित कर देता है। एलोवेरा जूस आसानी से उपलब्ध है, पटियाला में मिलता है, गुरप्रीत भाई से आप संपर्क कर लें, उनके पास व्यवस्था है, और भी कहीं मिलता हो, स्वामी रामदेव जी के यहाँ मिलता है, वहां से भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा फ्रेश कितना खाया जा सकता है? हाँ, एलोवेरा फ्रेश अगर खाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, जूस से भी अच्छा होगा। एलोवेरा फ्रेश खाने का तरीका बता देता हूँ, उसका जो पत्ता आता है ना वो काट के ऊपर वाला छील लेना, उसको छिलका उतारना, हाँ उतारना खाने के लिए, फिर अंदर का जो गूदा है फल वो चबा के खा लीजिए। एक दिन में 10-15 ग्राम से ज्यादा मत खाइए, बहुत कड़वा है, बहुत तीखा है। उसको ग्राइंड करके पानी में, हाँ ले सकते हैं, ग्राइंड करके पानी में ले सकते हैं, उसकी चटनी ले सकते हैं, चबा के खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। अचार आता है तो अचार खा लीजिए। उसका छिलका है, दूसरे चीजों का तो छिलका खाना, हाँ एलोवेरा का छिलका ही एक है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो डाइजेस्ट आप कर नहीं पाएंगे इसलिए मैंने उतरवा दिया, बाकी सभी छिलके आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो एलोवेरा का गूदा ले लीजिए। ऐसे ही हमारे पास बहुत एल्केलाइन चीज है गाजर। अभी 4 महीने गाजर का सीजन आ गया, खूब गाजर खा लीजिए, माने नियमित रूप से, खूब जहां भी मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, नियमित रूप से 3-4 महीने खा लीजिए, 2 गाजर रोज 3 गाजर रोज चबा के खा लीजिए, बहुत एल्केलाइन है गाजर। मूली है जी, डायबिटीज वाले जरूर खा लें। भगवान का बनाया हुआ कोई भी मीठा पदार्थ डायबिटीज वाले खूब खाएं, आदमी का बनाया हुआ कुछ ना खाएं। ये सारी खतरनाक बीमारी आदमी के बनाए हुए मीठे पदार्थ में, जिसमें वो चीनी डाल दे, गाजर भगवान की बनाई है, आप खूब खाएं जी। जूस के लिए
उसके प्रिस्क्राइब है बॉटल के ऊपर 30 ml to 50 ml आप ले। 30 ml की तो जरूरत नहीं है, वो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया है, शायद वो बहुत हाई डिग्री किसी पेशेंट को ध्यान में रख के। मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 से 15 ml ही पर्याप्त है, 30 ml बहुत ज्यादा है, नॉर्मल आदमी के लिए ठीक नहीं। वो बॉटल पे इसलिए भी लिखा गया है कि बिके, सब जगह बेचने का प्रॉब्लम आ गया ना। तो आपको तो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से कि न्यूनतम दवा लेके या बिना किसी दवा के आप अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज कर सकते। तो एल्कलाइन चीजें हैं, गाजर है, आंवला है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, फिर बंद गोभी है, फिर ये आपके पास मूली है, फिर चौलाई है, फिर सरसों है जो आजकल साग के रूप में, ये सब एल्कलाइन है, सब हर्ट के लिए टॉनिक है ये सब। तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए भोजन में देशी घी या तो शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हुए, नमक बदलते हुए आप चल पड़िए जिंदगी के रास्ते पर। एक बार अगर अटैक आ चुका है पुराने किसी समय में, दोबारा कभी नहीं आएगा, और जो भी ब्लॉकेज है वो बिना किसी दवा के अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि बॉडी में ब्लॉकेज बनाने की टेंडेंसी है तो निकालने की भी टेंडेंसी है। दवा खाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, मेडिसिन की इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक आखिरी बात बता देता हूं, इमरजेंसी आ जाए, मान लो इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या होती है, आपने जैसा मैंने कहा वैसे सब मैनेज किया ठीक है, और शायद कोलेस्ट्रॉल आपका इतना बढ़ा हुआ हो कि ब्लॉकेज 99% पहुंच गया हो, उस कंडीशन में उसको रिड्यूस होने में 6-8 महीने लगते हैं, इस बीच में कभी इमरजेंसी आ गई तो, इमरजेंसी माने अटैक ही आ गया मान लो, तो भी घबराइए मत। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 99% पेशेंट में ऑटोमेटिक बाईपास होता है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है शरीर में, ऑटोमेटिक बाईपास होता है, डॉक्टर नहीं करता, खुद ही होता है। कैसे होता है, मान लो मैं थोड़ी देर फिर पुरानी बात पे आता हूं, ये एक आर्टरी है, ये पूरी तरह से बंद हो गई, अब इसमें से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये जो बंद हो गई ना, इसके पैरेलल एक खुली हुई आर्टरी रहती है हमेशा, हर एक आर्टरी के पैरेलल एक दूसरी है, हर एक वेन्स के पैरेलल एक दूसरी वेन है, वो उसी समय के लिए भगवान ने दे रखी है कि ये बंद हो जाए तो दूसरी अपने आप खुल जाएगी, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगी। इसलिए घबराइए मत, डरिए, भगवान ने बहुत सुरक्षा बनाई है आपके लिए। अब जान के रखिए इस बात को कि हो सकता है ऑटोमेटिक बाईपास हो जाए और आप डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो, डॉक्टर को भी मालूम है कि इनका बाईपास हो चुका, फिर भी वो कहेगा कि आपको तो बाईपास करना है, तो वो यहां से काट के फिर सिल देगा और कहेगा मैंने बाईपास कर दिया, मुझे पैसे दे दो। और हो सकता उसने कुछ नहीं किया हो क्योंकि बाईपास तो ऑटोमेटिक हो चुका है, ये सभी के शरीर में होता है, हर एक व्यक्ति के शरीर में होता है, हृदय की व्यवस्था ऐसी भगवान ने बनाई। तो ऑटोमेटिक बाईपास 99% केसेस में होता है, 1% केस में नहीं हो पाता जब हार्ट फेल हो जाता है, उसी समय नहीं हो पाता, बाकी तो अटैक में तो होता ही है, इसलिए वहां भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि मान लीजिए इमरजेंसी है, आपको बहुत तेज पेन हो रहा है एंजाइना का माने अटैक का, रात के 2:30-3 बजे के आसपास ही आता है, क्यों आता है वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। शरीर के जितने ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इन सब का वर्किंग जो काम करने का एक खास समय है, एक खास समय पर हार्ट बहुत ज्यादा काम करता है, एक खास समय पर किडनी ज्यादा काम करती है, एक खास समय पर लीवर ज्यादा काम करता है, उसकी मैंने लिस्ट दी है बाहर, एक किताब है, 2 किताबों में ये लिस्ट है पूरी, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ और अहिंसात्मक चिकित्सा, 2 किताबों में हर एक ऑर्गन का टाइम पीरियड मैंने दिया हुआ है कैलकुलेट करके कि ये हर्ट है इसके काम करने का समय ही है 2:30 से 4:30 बजे तक, ये ज्यादा काम करता है, बाकी समय काम नहीं करता ऐसा नहीं है, कम करता है, इसी तरह किडनी का समय है, इसी तरह लीवर का समय है। तो जब ज्यादा काम करने का समय है हर्ट का, अटैक उसी समय आएगा, तो ज्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें, बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूं, वो सब नोट करके रखें, ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं, सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता है रख लो,
ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट। इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगी, 200 लिख दीजिए, एकोनाइट 200। ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है, और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। क्या करना है इसको, जब बहुत तेज एंजाइना का पेन है, हर्ट एरिया में, हर्ट रीजन में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस दवा की एक बूंद जीभ पर डाल दीजिए, पेशेंट एक ही बूंद, 5-7 मिनट में ही वो कहेगा हाँ हाँ बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है। फिर एक और बूंद डाल दीजिए 5-7 मिनट के बाद, फिर कहेगा और रिलीफ हो गया, और एक बार डाल दीजिए, बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए, और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एंजियोग्राफी भी कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप कराना चाहें तो पैसे ही खर्च होने वाले हैं आपके, और कुछ उससे ज्यादा नहीं निकलेगा, आपने उसको रोक लिया मरने से। अब क्या करना है वो मैं पीछे सब बता चुका हूं, उसका घी बदलवाइए, उसका तेल बदलवाइए, उसका दूध बदलवाइए, भैंस का पी रहा है तो गाय का लाइए, घी ला रहा है तो गाय का लाइए, फिर उसको कहिए नमक बदलो, फिर छिलके वाली दालें शुरू करो, छिलके वाली सब, ये सब उसको शुरू कर दीजिए उसकी डाइट, और 5-6 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। एक ड्रॉप डाला 5-7 मिनट, दूसरा डाल दिया 5-7 मिनट, तीसरा डाल दिया, बस 3 ड्रॉप डाल के छोड़ दें। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको हर्ट और हर्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में दी है। अब एक आखिरी जानकारी और दे देता हूं कि हमारे रसोई घर में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इन सब काम को बड़े आसानी से करती है। हर्ट में अगर ब्लॉकेज आ गया तो उसको निकालेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको घटाएगी, कचरा जमा हो गया खून में तो उसको साफ करेगी, उस मेडिसिन का नाम है मेथी दाना। मेथी दाना बारीक, ये जो मेथी दाना है पीला पीला होता है, खाने के बाद देखेंगे तो बहुत कसैला होता है, कड़वा होता है, ये बहुत अच्छा टॉनिक है हर्ट के। मेथी दाना नियमित रूप से हर उस पेशेंट को देना है जिसको अटैक आने की संभावना है या आ चुका है। एकोनाइट तो दे ही दिया, वो तो उस समय के लिए बच गया, भगवान की दुआ हो गई उसके ऊपर, ऐसा समझ लो। हाँ, जो बारीक होता है वो काम का है, जो बड़ा वाला है वो अचार के काम का है, छोटा मेथी दाना वही काम का है। अब इसको खाना कैसे है, हर उस पेशेंट को ये देना पड़ेगा जिसको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, कचरा जमा हो गया, कीचड़ भर गया, उसको साफ करने के लिए 1 चम्मच छोटा वाला मेथी दाना 1 गिलास गर्म पानी में रात को रखना, रात भर उस पानी को रखना, सवेरे वो पानी सिप सिप करके पीना, क्योंकि पानी पीने का नियम जो बताया वो ध्यान रखना, और मेथी दाना चबा के खाना, बस इतना सा काम। नहीं बिल्कुल नहीं, रात को गर्म पानी में 1 गिलास कांच का गिलास रहना चाहिए, उसमें 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, छोटा मेथी दाना वो डाल के रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे पानी को सिप सिप करके पी लीजिए और उस दाने को चबा के खा लीजिए। हाँ, डालते समय पानी गर्म जरूरी है, दोबारा पीते वक्त पानी गर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेथी से ही बहुत गर्म हो चुका है, तासीर बदल जाती है उस पानी की, रंग बदल जाता है, आप देखेंगे पानी पीला हो जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने लगातार, 90 से 120 दिन लगातार। फिर क्या करना है, 90% केसेस तो इतने में ही ठीक हो जाते हैं 90 से 120 दिन में, लेकिन 10% केसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उनको शायद ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो मेथी दाने का एक नियम है वो ये कि 90 से 100 दिन देने के बाद 15-20 दिन के लिए उसको ब्रेक दे दीजिए, 15-20 दिन के, और फिर वापस 90 दिन चला सकते। तो 2 बार से ज्यादा शायद रिपीट मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं किया, 2 रिपीटेशन में ही सब क्लियर कर देते। अब मेथी दाने में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो खून को बहुत अच्छे से साफ करते हैं,
साफ माने खून में जो कीचड़ वाला हिस्सा है बैड कोलेस्ट्रॉल वो सब खत्म कर देते हैं मेथी दाने के केमिकल्स। तो ये हमारे रसोई की बहुत अच्छी एक दवा है। और एक अच्छी दवा बता देता हूं इसी के साथ, चाहे तो वो ले सकते हैं नहीं तो ये या वो, दोनों में से कोई एक ले सकते। स्वामी जी अक्सर वो आपको बताते हैं लौकी का रस, ये लौकी का रस भी वही काम करता है जो मेथी दाना करता है। लौकी का रस आप जानते हैं, छिलका नहीं उतारना, लौकी के छोटे टुकड़े करके कद्दूकस में पीस के उसमें या मिक्सर में पीस के रस निकाल लेना, उस रस में तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, ये कम से कम 5 से 10 तीनों, 5 पत्ते धनिया, 5 पत्ता पुदीना, 5 पत्ता तुलसी या 10 पत्ते धनिया, 10 पत्ता पुदीना, 10 पत्ते तुलसी, ये तीनों मिक्स करके चटनी बना के, चटनी माने उसमें कुछ मिलाना नहीं, खाली पीसना, पीस के उसको रस में मिलाना, लौकी के रस में, और इस रस की मात्रा 1 कप, 1 कप, 1 कप माने 150 ml। फिर से रिपीट करता हूं, लौकी का रस निकालना है बिना छिलका उतारे, और उसमें 5 से 10 पत्ते धनिए का, 5 से 10 पत्ते पुदीने का, 5 से 10 पत्ते तुलसी का, तीनों पीस के डालना है, 1 कप रस होगा और इसमें तीनों पत्ते पीस के डाल दिए। अब ये पीना है, इसको सबसे अच्छा पीने का समय है सवेरे खाली पेट, और अगर सवेरे खाली पेट कोई नहीं पी पाता कारण कुछ भी हो उसका, तो दोपहर को खाने के बाद तो जरूर लेना है, शाम को ये नहीं ले सकते। तो पानी पीने के लगभग 40 मिनट बाद, 40 से 45। एलोवेरा का जूस भी है जो बनाना घर में वो भी, हाँ उसमें और 40 मिनट जोड़ दीजिए, पानी ले लीजिए, एलोवेरा जूस ले लीजिए, फिर 40 मिनट जोड़ के और आप ये रस ले लीजिए लौकी का, और अगर कुछ लेना है तो 40-45 मिनट गैप रखिए, हर एक दवा से दूसरी दवा के बीच में 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का गैप बहुत जरूरी है, आयुर्वेद की कोई भी दवा। खाने के इमीडिएट बाद ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे खाने के इमीडिएट बाद तो लस्सी पीनी है, तो लस्सी पी लीजिए फिर 40 मिनट बाद ले लीजिए। खाने के इमीडिएट बाद लेंगे उसके आगे नहीं जा सकते, माने लंच टाइम तक आपको ये पी लेना है, शाम का समय इसके लिए अच्छा नहीं है। खाने तो बाद जड़ी लस्सी है जो दही आवी जा रड़के आवी मक्खन निकाल के। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो मक्खन ना निकाले, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो मक्खन निकाल के। तो ये एक दवा मैंने बता दी, एक दवा हो गई मेथी दाना, हाँ हमेशा, हाँ पहले या पानी, फिर एलोवेरा लेना है तो एलोवेरा, आंवला लेना है तो उसी के साथ एलोवेरा के साथ, फिर एक 40 मिनट 1 घंटे के बाद मेथी लेना है, इस तरह से आप शेड्यूल करिए। हर चीज का एक शेड्यूल, एक याद रखिए, लिक्विड चीज सबसे पहले, सॉलिड चीज उसके बाद। अब मेथी दाने में कुछ तो सॉलिड पार्ट है और एलोवेरा जीस में कुछ भी सॉलिड नहीं है, तो पहले लिक्विड बाद में सॉलिड, सवेरे का ये नियम। और एक तो जल दवाएं बता देता हूं इसी तरह की जो काम में आएंगी हर्ट के लिए, आपको अपने ही रसोई में इसी तरह की और एक बहुत अच्छी दवा है, अर्जुन की छाल, वो भी बहुत एल्केलाइन है। इस अर्जुन की छाल का पाउडर आता है, आप उसको यूज करिए हर्ट के प्रॉब्लम के लिए, जिनको भी है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा या खून में कीचड़ जमा, जो मैंने बोला था। अर्जुन की छाल बाजार में मिलती है, 30-40 रुपए किलो है। इसमें शहद मिला के, शहद नहीं मिला सकते तो गुनगुने पानी में मिला के, है जी 100 रुपए किलो, तब तो आपको ठग लिया किसी। अगर आप उसको थोक बाजार से खरीदेंगे 30-40 रुपए किलो से ज्यादा भाव नहीं है उसका पूरे भारत में। आप थोक में खरीद लीजिए ना, मैं कह रहा हूं मार्केट थोक में जाइए, 30-40 रुपए किलो से ज्यादा भाव ही नहीं है उसका। तो आप जो है अर्जुन की छाल का पाउडर, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हर्ट पेशेंट के लिए, ये भी बहुत एल्केलाइन है। और एक दो चीजें बताता हूं जो इसी तरह से एल्केलाइन है और हर्ट के लिए बहुत है। पाउडर ही लेना अर्जुन की छाल, शहद लेना है, शहद नहीं है तो गुनगुने पानी में मिला के लेना है। हाँ क्वांटिटी माफ करिए भूल गया,
कभी भी लेना है अर्जुन की छाल का पाउडर एक बार में तो आधा टी स्पून, एक टेबल स्पून है एक टी स्पून, टी स्पून आधा इतना ही लेना है एक बार में एक दिन में, फिर दूसरे दिन लेना है फिर उतना ही, 3 महीने लगातार आप इसे भी ले सकते हैं अर्जुन की छाल। और माफ करिएगा ये जितनी चीजें बता रहा हूं ये सब ऑल्टरनेटिव के रूप में बता रहा हूं, एक साथ सब मत ले लेना। मैं आपको बता रहा हूं कि इतने ऑप्शंस आपके पास हैं, आपके पास लौकी है, आपके पास मेथी दाना है, आपके पास अर्जुन की छाल है, आपके पास आंवला है, आपके पास एलोवेरा है, इतने ऑप्शंस भगवान ने दिए हैं आपको। ये सभी ऑप्शनल और ऑल्टरनेटिव हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ध्यान रखना कि इसके साथ ये ले लें इसके साथ, कुछ लोगों को लगेगा जल्दी ठीक होना है तो सब ले लो एक साथ तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, इसलिए जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं या तो ये या तो ये या तो ये, और इसलिए ज्यादा बता रहा हूं कि आपको इस बात का आइडिया हो कि हम कितने रिच हैं, भारत कितना रिच है कि खाली रसोई में हर्ट को ट्रीट करने की कम से कम 20 दवाएं हैं जो दुनिया के किसी किचन में नहीं, वो हमारे यहां, तो हमारी रिचनेस का पता चले। और दूसरा, हमारे पुराने बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी जो कहते रहे हैं उस पर आपका भरोसा बढ़े, इसलिए ये सब इतनी बता, वरना एक बता के मैं छोड़ देता कि इतना ही काफी है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।